अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ जवेद, ब्राइट हाउस इलेक्ट्रॉनिक चैनल की तरफ से आप तमाम लोगों को खुशामदीद। आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आए हैं, लेकिन जो दोस्त हमारे नए आए हैं उन सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी तो गाइस, आज जो हम आपके लिए प्रोडक्ट लेकर आए हैं ये है ब्राइट कंपनी का किचन हॉब, क्योंकि आजकल आपको पता है एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है मार्केट में, कुकिंग रेंजेस अब अपडेटेड हो चुकी हुई है। अब ज्यादातर लोग जो है वो अपने घरों में किचन हॉब का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये काफी ट्रेंडिंग था, तो हमने कहा हम भी आपके साथ अब कुछ हॉब्स की शेयरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको इसकी अनबॉक्सिंग दिखाएंगे। तो गाइस, ये इसका वारंटी कार्ड है, चूंकि इसकी 1 ईयर वारंटी होती है और वो क्लेमेबल है ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो इसके साथ ही इसके अंदर ये इसकी स्पेक्स मैनुअल होती है जिसके थ्रू आप पढ़ सकते हैं कि इसके फीचर्स क्या क्या हैं। उसके अलावा अगर हम हॉब की बात करें तो हॉब के अंदर आप देख सकते हैं ये हॉब की शक्ल है। इसके अंदर ये कास्ट आयरन ग्रिल्स दी नहीं है हैवी ड्यूटी, ताकि आप इसके ऊपर अगर 20 kg 25 kg तक वेट रखते हैं तो उसका कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसी के साथ साथ इसकी एक और क्वालिटी बताता चलूं कि कंपनी ने इसको इस तरह से डिजाइन किया है, जो इसका ये चीजें आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसमें से दी गई हैं। ज्यादातर पहले कंप्लेंट्स आती थी लोगों की कि जब हम चूल्हा यूज करते हैं तो नॉब्स जो होती हैं इसकी, ये बटन्स या नॉब्स जिसको हम बोलते हैं, ये गर्म हो जाती थी। तो ये कंपनी ने इस वजह से डिजाइन किया है ताकि हीट जो है वो नॉब्स तक ना पहुंचे और नॉब्स जो है वो गर्म ना हो। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो इसके अंदर मेटेलिक में नॉब दी हुई मेटल में, ताकि नॉब जो है वो टूटे ना, पिघले ना। पहले ये भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स लोगों की सुनने में आती थी कि जी नॉब पिघल जाती है या टूट जाती है प्लास्टिक की होने की वजह से या बेकोलाइट की होने की वजह से। तो अब कंपनी जो नॉब आप दे रही है वो दे रही है मेटल के अंदर, ताकि इस तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये 3 नॉब दी गई है, क्योंकि 3 चूल्हे हैं इसके अंदर, एक इसकी नॉब है, एक ये छोटे चूल्हे की नॉब है, एक ये इस बड़े चूल्हे की नॉब है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो भी हॉब आता है वो क्वालिटी चेक होके आता है, सर्टिफाइड होके आता है। तो उसके साथ ये एक टैग लगा होता है जो कि आपको बताएगा कि ये चूल्हा चेक होकर आया है और क्वालिटी अप्रूव्ड है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ये स्टेनलेस स्टील के अंदर बना हुआ है, और स्टेनलेस स्टील का फायदा ये होता है कि इसको जंग या कोई और प्रॉब्लम नहीं होती। उसके अलावा अगर हम इसके बर्नर्स की बात कर लें तो बर्नर्स जो है इसके अंदर वो भी मैं आपको दिखाता जाता हूँ। बर्नर्स इसके अंदर ब्रास में यूज हुए हुए हैं। ब्रास का ये फायदा होता है कि अक्सर उकात कस्टमर जो है वो कंप्लेंट करता था कि जो बर्नर है वो खराब हो जाता है बहुत जल्द, तो कंपनी ने उस हिसाब से ब्रास बर्नर डिजाइन किया है ताकि जो आपका बर्नर है वो खराब ना हो। और दूसरी तरफ आपको ये भी बताता चलूं कि ये कंसील्ड बर्नर के साथ है, इटालियन सबाब बर्नर टाइप है ये। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो लोग पहले से हॉब यूज करते आ रहे हैं या जो लोग पहले कर रहे हैं उन लोगों को बात का इलम होगा कि पहले जो हॉब्स आती थी उसके अंदर चाइना बर्नर यूज होता था, उसकी वजह से अगर दूध या कोई भी चीज उबलती थी वो चूल्हे के अंदर नीचे चली जाती थी और नीचे से फिर उसके अंदर गनमन पैदा करती थी। तो इसके अंदर इस तरह की भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। ये कंसील्ड बर्नर है, इसके अंदर कोई भी चीज अगर उबल के गिरती भी है तो वो ऊपर ही रहेगी, उसके अंदर नीचे नहीं जा सकती। तीसरी चीज अगर मैं आपको बताता चलूं तो वो ये है कि ये ऑटो इग्निशन के साथ है। ऑटो इग्निशन का फायदा क्या होता है कि आपको माचिस या लाइटर या और कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं पेश आती। उसके अलावा अगर मैं बात करता चलूं इसके, अक्सर आजकल चूंकि गैस का प्रॉब्लम है, सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो अक्सर उकात ये प्रॉब्लम आती है कि घरों के अंदर गैस का प्रेशर कम होता है, तो मैं आपको ये भी बताता चलूं ये 0.3 kW से लेके 0.5 kW तक इसकी गैस की जो है वो पावर है। जो लोग टेक्निकली इस चीज को समझते हैं वो समझ गए होंगे मेरी बात को कि बहुत कम माइनर गैस भी अगर आती हो तो ये अपनी वर्किंग जो है वो कर सकता है। बहुत ज्यादा एलिगेंट डिजाइन है इसका आप देख सकते हैं, और कोई इसके अंदर अक्सर लोगों ने फूल वगैरह बनाए होते हैं ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। बड़ा खूबसूरत है और आपके किचन में बड़ा यूनिक लगने वाली चीज है, ब्रास कैप के साथ है। तो 002 इसका मॉडल है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारी प्रोडक्ट आज की बड़ी पसंद आई होगी। अगर आप इसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन या मजीद मालूमात लेना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके भी आप पूछ सकते हैं, उसके अलावा हमारे नंबर्स पे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा अब असल जो काम की बात है वो भी आपको बताता चलूं कि मार्केट में इसकी क्या प्राइस रेंज है इस वक्त, और अगर हमसे आप ब्राइट हाउस से लेते हैं
तो वो आपको क्या प्राइस रेंज में पड़ेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मार्केट में ब्रास बर्नर के साथ ब्राइट या किसी भी और कंपनी का आप चूल्हा बाय करते हैं तो वो मिनिमम 15,000 रुपीज से स्टार्ट होता है और अप टू 15,000 से प्लस आगे जाता है। जबकि ये जो हॉब है इसकी ओरिजिनल मार्केट प्राइस जो है वो 15,000 रुपीज ही है एमआरपी जो इसकी है, लेकिन ब्राइट हाउस से बाय करने का आपको फायदा ये होगा ये हम आपको देंगे 10,000 रुपीज के अंदर विद लाहौर के अंदर। आप कहीं पे भी चाहें हमें ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, डिलीवरी चार्जेस आपको किसी किस्म के कोई एडअप नहीं होंगे। 10,000 रुपए में चूल्हा पड़ने वाला है आपको और आप इसको कहीं भी मंगवा सकते हैं वो आपकी मर्जी है। तो लाहौर के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी, अगर लाहौर से बाहर है तो उसके अंदर वेरी कर रहे होते हैं डिलीवरी चार्जेस, वो आपको हम गाइड कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो सबसे पहले मेरी उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो चैनल पे नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली प्रोडक्ट और वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। शुक्रिया।